चलिए अब हम इसे टाइट करके भी देख लेते हैं। हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, मैं इस वक्त बिल्कुल नेचर के बीच में बैठा हुआ हूँ। देख सकते हो बिल्कुल हरा हरा हुआ पड़ा है हर जगह, और इधर भी कैमरा करो आप। तो चलिए यार जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं, क्योंकि मैं आज बहुत ही कमाल का प्रोजेक्ट बनाने वाला हूं। और क्योंकि आपको पता है पिछली वीडियो में मैंने इस मोटर को विनर बनाया था। पिछली वीडियो क्या थी अगर आपने देखा है तो आपको पता होगा, पिछली वीडियो हमने दो मोटर का कंपैरिजन किया था, उसमें से ये वाला गियर मोटर ने बहुत ज़्यादा वेट उठा लिया था। मतलब इस मोटर को देखने पे तो लगता नहीं कि इसमें कुछ जान है, लेकिन इसने 3 किलो का वजन उठा लिया था, और वो भी वो मैक्सिमम टेस्ट नहीं था। मैंने ऐसे इसको 3 किलो ही सिर्फ दिया था। और आप लोगों में से उस वीडियो के बाद आप लोगों ने बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया कि इसका स्क्रू ड्राइवर बनाओ, बहुत ज़्यादा पावरफुल बनेगा, ठीक है, तो बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। साथ ही इसको मॉडिफाई करके 10 गुना और ज़्यादा पावरफुल बना देंगे, 10 गुना ज़्यादा पावरफुल बनाने वाले, तो बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। स्क्रू ड्राइवर इसका आज ही बनाएंगे और पहले इसको पावरफुल करेंगे। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। जिन लोगों चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया करें ना, वीडियो को लाइक कर देना, और चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। सब्सक्राइब जरूर कर लेना। सबसे पहले तो इस मोटर को ओपन कर लेते हैं, क्योंकि हमें इस मोटर से इसको रिप्लेस करना है। तो इसको ओपन कर लेते हैं। देख सकते हो इसके अंदर का सेटअप काफ़ी नाजुक गियर है, इसलिए मैंने पिछली वीडियो में इसका एक्सट्रीम टेस्ट नहीं किया था, क्योंकि टूट सकते थे। तो पहले इन स्क्रूज को खोलना पड़ेगा, तो मैं यूज़ करता हूँ इसका। देख सकते हो ये खुल चुका है, और यहाँ पे मोटर हमारा बाहर आ चुका है। पहला रीज़न ये है इसको चेंज करने का, ठीक है। पहला रीज़न मैं इसी से बना देता स्क्रू ड्राइवर, बहुत पावरफुल बन जाता है इसका भी, लेकिन इसकी तार टूट चुकी है एक, देख सकते हो। उसके लिए इसको ओपन करना पड़ेगा, और इस मोटर को ओपन करना भाई बहुत मतलब दिमाग ख़राब करने वाला काम है, ठीक है। तो पहले तो मैं इससे गियर निकाल लेता हूँ, छोटा सा जो गियर है, और फिर हम इसको सेट करते हैं। ये वाला गियर निकाल चुके हैं, और यहाँ पे इसको नॉर्मली सेट नहीं कर पाएंगे, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हो इसका साइज कितना छोटा है, और साथ ही इसमें स्क्रू टाइट करने की जगह भी दी हुई है मोटर में, लेकिन ये मोटर काफ़ी ज़्यादा बड़ा है, और यहाँ पे स्क्रू टाइट करने के लिए कोई छेद नहीं है। तो हमें इसको पहले ध्यान से फिट करना पड़ेगा बीच में, इसको लगाने के बाद, और फिर यहाँ सुपर ग्लू से इसको चारों तरफ से बंद करना पड़ेगा। तो चलिए जल्दी से कर लेते हैं। फ्रेंड्स यहाँ पे देख सकते हो हमने इसे सुपर ग्लू से चिपका दिया है, और यहाँ पे चाहे तो स्क्रू कस सकते थे, लेकिन हमारे पास ड्रिल मशीन है जो हमें यहाँ पे होल करें, और वैसे भी यहाँ पे स्क्रू कसने का कोई मतलब नहीं बनता, क्योंकि यहाँ पे होल बहुत छोटे छोटे करने पड़ेंगे। तो चलिए मैंने फिलहाल इसको फैब्रिक से चिपका दिया है, और यहाँ पे इस तरह से इसका कुछ गियर सेटअप देख सकते हो, और अब मैं इसे दोनों तरफ से इस तरह से बंद कर देता हूँ, ठीक है। तो अब ये हमारा कम्प्लीट हो चुका है, मतलब कि सही से पहले मैं इसको लगा दूँ, तो यहाँ पे देख सकते हो, और अब ये बिल्कुल टाइट हो गया यार, मतलब घूम ही नहीं रहा है, पता नहीं टाइट हुआ है कि क्या। इसको टेस्ट कर लेते हैं पहले, और यहाँ पे बहुत ज़्यादा मजबूती चिपका दिया, तो अब हमारे यहाँ 10x हो चुका है इससे, मतलब 10x से ज़्यादा पावरफुल हो चुका है। तो इसलिए अब इसको टेस्ट पहले मैं कर लेता हूँ। तो फ्रेंड्स मैं अंदर आ चुका हूँ, और थोड़ा सा शोर आ रहा होगा आपको, कोई बात नहीं। तो मैं अंदर इसलिए आया क्योंकि बाहर बहुत ज़्यादा गर्मी लगी, तो यहाँ पे सारा सेटअप हो चुका है, देख सकते हो। ये ट्रांसफार्मर है हमारा, यहाँ से कनेक्ट कर दिया है, और पावर सप्लाई इसमें आ रही है, दिखा देता हूँ आपको, देख सकते हैं पावर सप्लाई आ रही है। तो जल्दी से इसको टेस्ट करके मैं आपको दिखाता हूँ कि ये इसका टॉर्क वगैरह किस तरह का चल रहा है, काम कर रहा है नहीं। तो देख सकते हो काम करना उसने स्टार्ट कर दिया है, और अब मैं इसका टॉर्क चेक करता हूँ। देख सकते हो मैं इसे इतनी ज़ोर से पकड़ रखा है, मतलब इसकी स्पीड में ज़रा सा भी अंतर नहीं आ रहा, चाहे कितनी भी ज़ोर से उसको कितना भी ताकत लगाकर पकड़ सकते हो। बस यहाँ पर मैं आपको दिखा दूँ एक बार, मतलब ये किसी भी हालत में अपनी स्पीड तक ज़रा भी कम नहीं हो रही इसकी, और पूरा हाथ पर मेरे निशान पड़ रहा है, देख सकते हो, देख सकते हो काफ़ी ज़्यादा मतलब तेज़ आ रही है, रुकने वाला नहीं है, और अब तो बहुत ज़्यादा पावरफुल हो चुका है, और हम ज़रूर अब इससे हम एक स्क्रू ड्राइवर बना सकते हैं। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले तो हमें ये जुगाड़ लगाना पड़ेगा कि यहाँ पे हमें इन जो बिट्स हैं इनको फिट कैसे करेंगे, मतलब इसके जो ऊपर शाफ्ट दिख रही है इसमें हमें आराम से बिट फिट करना है, और अलग अलग बिट चेंज करने का भी जुगाड़ करना है। तो सबसे पहले देखते हैं कि इस बिट को यहाँ पर फिट कैसे करना है। हमने यहाँ पर क्या सोचा है कि जो स्केच पेन होता है इसको यहाँ पे हम आराम से इसको लगा सकते हैं, और इसका आगे का मुंह थोड़ा सा छोटा है, तो हम यहाँ पे बिट वगैरह चेंज कर सकते हैं, लेकिन ऐसे काम नहीं होगा। यहाँ पे हमें हीट देके पहले इसको सुकोड़ना होगा, इसके ऊपर लगा दिया, इसको हीट देके ऐसे करके दबा कर सुकोड़ना पड़ेगा, और साथ ही यहाँ पे एक बिट डालकर और जो उसमें पैटर्न्स होते हैं वो इसमें बनाना पड़ेगा, इसको हीट देके सुकोड़ना पड़ेगा इस तरह से। तो जल्दी से कर लेता हूँ, फिर आपको दिखाता हूँ।
तो फ्रेंड्स यहाँ पे देख सकते हो बिट लगाने का जुगाड़ मैंने किस तरह से बनाया है। यहाँ पे जो पेन है देख सकते हो, यहाँ पे पेन ही है, लेकिन वो जो पिछली बार रेड कलर का स्केच लगाया था वो काम नहीं कर रहा था, वो ज़्यादा ही चीप प्लास्टिक था। तो फिर इस तरह से मैंने यहाँ पे टेप लगा के इसके शाफ्ट को मोटा किया और टाइटली यहाँ पे फिट कर दिया, ठीक है। और यहाँ पे आपको इतना करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपको कनेक्टर मिल जाएगा, यहाँ पे कनेक्ट कर सकते हो, ठीक है, आराम से कनेक्ट कर लोगे। ये सब आपको करने की कोई ज़रूरत नहीं, दुकान से आपको 10-15 रुपये का कनेक्टर मिल जाएगा, आराम से बिट को कनेक्ट कर पाओगे इससे। तो ये तो मैंने फिर भी कर लिया, मेरे पास वो नहीं था इसलिए। और यहाँ पे देख सकते हो अब आराम से यहाँ से बिट मैं निकाल सकता हूँ और चेंज कर सकता हूँ बिट को। तो चलिए अब जल्दी से इसका नीचे वाला मुट्ठा बनाते हैं, हैंड बनाते हैं, जो कि किस्मत से मेरे पास पहले से किसी प्रोजेक्ट का पड़ा हुआ है। इसको कैसे बनाते हैं आपको पता ही है, सिंपली पीवीसी पाइप को काट लेना है शीट से और देख सकते हो इस तरह का आपको बना लेना है, देख लो ध्यान से। तो ये पहले से किसी प्रोजेक्ट का पड़ा था तो मैं यहाँ पे बना लेता हूँ, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। यहाँ पे देख सकते हो इस तरह से इसको मैं यहाँ पे लगा देता हूँ पहले। गाइस मैंने इसको यहाँ तक कंप्लीट कर लिया है और मेरे पास ये चीज़ पहले से पड़ी हुई थी इसलिए यहाँ पर कंप्लीट हो गया। तो दोस्तों अभी ये बिल्कुल भी कंप्लीट नहीं है, बिल्कुल इनकम्प्लीट प्रोजेक्ट है, ठीक है, क्योंकि मेरे पास यहाँ पे अभी मतलब सामान भी नहीं है और मैं सामान खरीद भी नहीं पा रहा, क्योंकि स्मार्टफोन लेने के बाद थोड़े से पैसे की भी कमी हो गई है, तो इसलिए मेरे पास प्रॉपर इसको बनाने का सामान फिलहाल अवेलेबल नहीं था। तो फिर भी मैंने एक आइडिया आपको दिया है, इसको अभी कम्प्लीट इसमें बहुत सारी कमियां हैं, जैसे कि आप इसे और अच्छा मॉडल दे सकते हो, और अच्छा डिज़ाइन दे सकते हो, यहाँ पे बैकवर्ड और फॉरवर्ड का बटन लगा सकते हो इस तरह से, मैंने वो नहीं लगाया, और यहाँ पे आप इसको और बढ़िया तरीके से इम्प्रूव तरीके से बना सकते हो, ठीक है। तो फिर मैंने आपको फिलहाल एक आइडिया दिया है, तो चलिए जल्दी से अब मैं इसको टेस्ट करके दिखा देता हूँ। फ्रेंड्स चलिए मैं टेस्ट करता हूँ, यहाँ पे मेरे पास ये एक चीज़ पड़ी हुई है, तो इसको मैं यहाँ पे इसके स्क्रूज़ खोल कर देखने वाला हूँ। तो मैं जल्दी से इसको टेस्ट करता हूँ यहाँ पे, जैसे तो ये घूमना स्टार्ट हो चुका है, बैकवर्ड में घूमना स्टार्ट हो चुका है, अब मैं इसको खोल कर देखता हूँ। चलिए अब हम इसे टाइट करके भी देख लेते हैं। वीडियो कैसे लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। और ये अभी इनकम्प्लीट प्रोजेक्ट है, आप चाहो तो घर में इसको कंप्लीट कर सकते हो, यार मेरे पास सामान नहीं है इस वक्त, फिर भी मैं आपको वीडियो देना नहीं छोड़ता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि आप लोगों को मैं बोर नहीं करना चाहता, ठीक है, इसलिए मैं आपको कुछ ना कुछ न्यू करके दिखाता रहता हूँ, और इसलिए मैं अपने घर की चीज़ों से ही काम चलाने की कोशिश करता हूँ, ताकि मेरे अगर किसी सब्सक्राइबर का सामान नहीं भी है तो भी इन प्रोजेक्ट को वो बना सके, ठीक है। अब सभी लोग इन एक्सपेंसिव चीज़ें लगाकर दिखा देते हैं और सब्सक्राइबर इंतजाम नहीं कर पाता है तो वो नहीं बना पाता, सिर्फ देखकर ही रह जाता है, समझे। तो इसलिए आप चाहो तो एक्सपेंसिव चीज़ें अगर पास है तो आप यूज़ कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, बस मैं आपको एक आइडिया देता हूँ। तो मैं तो प्रोजेक्ट आपको पसंद आया होगा, अगर पसंद आया वीडियो को लाइक कर देना, सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया तो सब्सक्राइब करके घंटी पर दबाकर ऑल पर सेट कर देना। तो चलिए किसी दूसरी वीडियो में मिलते हैं।